स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है कैनिजारो रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, वो ये कि यूट्यूब पर जितने भी लोग टॉपिक्स पढ़ाते हैं, उन सबका एक टारगेट होता है ना कि कौन सबसे छोटा वीडियो बनाता है। ठीक है, कौन सबसे छोटा वीडियो बनाते हैं, इस चक्कर में क्या करते हैं। और चूंकि स्टूडेंट की भी मेंटेलिटी है, स्टूडेंट को भी लगता है कि यार कोई टॉपिक है, हम नहीं देखेंगे 15 मिनट वाला, कौन सा देखेंगे भाई जो 5 मिनट में बता दिया। और ये खाना बनाने सीख रहे हो क्या कि 5 मिनट में ट्रिक मार रहे हो। इस चक्कर में क्या होता है कि बड़े बड़े जो मेन एग्जाम्पल्स है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको आप मिस कर देते हो। और क्या सीख के आ जाते हो, जो 11th 12th लेवल पे जो केमिस्ट्री सिखाई जाती है, उसका वीडियो सीख के आ जाते हो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट में, और क्या सिखाया जा सकता है। तो ये चीज़ बच्चे लोग आपके फ्यूचर से खिलवाड़ होता है, और ये कोई और नहीं करता, ये आप लोग खुद करते हो। ठीक है, खुद आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। तो इसी चीज़ के लिए मैं कभी ये परवाह नहीं करता कि मेरा वीडियो सबसे छोटा बने। मेरा ये होता है कि मैं कोई भी टॉपिक बनाऊँ, उसमें सारे एग्जाम्पल कायदे से हों, ताकि किसी भी बच्चे को उसमें कुछ छूटे ना। अगर एक बार बच्चा उस टॉपिक को कर ले, तो उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपका टाइम नहीं लूँगा मैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कैनिजारो रिएक्शन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें लोग क्या करते हैं ना, अल्डोल के साथ इससे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सारी टी फैकल्टी ने क्या किया है कि अकेले कैनिजारो पढ़ा दे। अकेले कैनिजारो पढ़ा के क्या होगा, ITJEE का एग्जाम दिलवाना है बच्चों को क्या है? मतलब क्या 11th 12th का एग्जाम दिलवाना है, जो मतलब कैनिजारो रिएक्शन पढ़ा दिया। सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन कहीं भी अकेले नहीं पूछा है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, JEE एडवांस तक का तो नहीं पता, लेकिन उसके बाद जब भी पूछता है, जैम हुआ, JRF हुआ, गेट, बार, DRDO, कहीं भी पूछा जाता है, तो अकेले कैनिजारो नहीं पूछा जाता। कैनिजारो के साथ हमेशा अल्डोल मिला के पूछा जाता है, और ये चीज़ किसी ने नहीं बताई है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, कैनिजारो रिएक्शन की बात करें तो पहले कैनिजारो को सीख लीजिए क्या है। कैनिजारो रिएक्शन हम जो होता है वो एल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल होता है, उसमें अल्फा कार्बन हाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है, और यूज करते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड NaOH का। ये तीन बातों को ध्यान रखना आप, कि सबसे पहले तो अल्डिहाइड के लिए होता है, अल्फा कार्बन हाइड्रेट नहीं होता है, और कंसंट्रेटेड NaOH वहाँ पर क्या होते हैं, यूज होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि लेते हैं हम HC डबल बॉन्ड H, हमने इसके दो एग्जाम्पल लिए, और ले लिया क्या यहाँ पर लिया हमने कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया। चलो ठीक है, अब समझो बात को, यहाँ होता क्या है समझिएगा। देखिए स्टेप वन आइए, स्टेप वन में HC डबल बॉन्ड OH, और ये जो NaOH है, इस OH माइनस का यहाँ अटैक होता है, ध्यान दीजिए, इस OH माइनस का यहाँ अटैक होता है। जब इस OH माइनस का अटैक होगा तो ऑब्वियस ही बात है ये ऊपर जाएगा, लेकिन आगे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, क्या इस O माइनस को हम प्रोटोनेटेड कर दें, H प्लस दे दें? तो आप बोलोगे सर हम लोगों ने 11th 12th में पढ़ा था क्या डायोल, जेम डायोल, कि एक कार्बन पे दो अल्कोहल हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, उन दोनों अल्कोहल को आपको क्या करना, डिहाइड्रेट करके वहाँ से H2O निकालना होगा। तो अगर दो अल्कोहल आ जाएंगे तो हमें H2O निकालेंगे तो वापस यही नहीं पहुँच जाएंगे बच्चे लोग, सोचिए, इसलिए वो काम नहीं करेंगे हम। तो इसको हम H प्लस देने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे। आप बोलोगे सर नीचे ला तो OH हटा दो, बोले बात तो पहले वही हो गया। और दूसरी बात यह है कि इस रिएक्शन में OH इसलिए गया है क्योंकि इस प्रोसेस में, स्टेप में जो OH है उसका क्या हो गया, OH माइनस का कंसंट्रेशन बहुत हाई है। लेचिटेज प्रिंसिपल के थ्रू ये रिएक्शन क्या होगा, आगे बढ़ा, आप इसको पीछे नहीं ला सकते। ठीक है, आप इसको पीछे नहीं ला सकते, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, इसको लाओ तो इस H माइनस को हटा दो, और क्या हुआ देखो तो HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या हो गया H माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, रेडी रहिएगा, ये क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल। स्टेप वन, स्टेप टू में आ जाओ, स्टेप टू में आ जाओ, देखो तो HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से क्या होगा, ये जो H माइनस आया ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो क्या बना जरा देखिए तो CH3 O-। अब इस O- के पास कौन लग जाएगा, तो जरा गौर से देखिए, NaOH में OH- तो आपने यूज़ कर लिया, तो Na+ बच गया है ना, तो वो Na+ आपको यहाँ पर क्या कर देना है, लगा देना है। और अब स्टेप थर्ड में आइए, ये तो स्टेप टू हुआ, स्टेप थर्ड में आइए, देखिए
स्टेप थर्ड में आएगी अब स्टेप थ्री। कैसे होगा भाई स्टेप थ्री? तो एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच नहीं नहीं सॉरी ये नहीं, स्टेप थर्ड में क्या करना है भाई, ये वाला कौन सी एच थ्री ओ माइनस एन ए प्लस और कौन ये वाला आपको कौन है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपस में मिल जाएंगे और क्या बन जाएंगे देखो एच प्लस एन ए प्लस से क्या हो जाएगा ट्रांजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो एसिड है, एसिड का काम एच प्लस छोड़ना और ये बेस हो गया, इसका काम उस एच प्लस को क्या करना ग्रैब करना, तो क्या बन गया गौर से देखिए, तो एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए और प्लस क्या हो गया है सी एच थ्री ओ एच, देखिए ये प्रोडक्ट इस तरह से बन गया। आपको इस काटना भी पड़ेगा क्योंकि जो जो बन गया उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना, सी एच थ्री ओ माइनस एन ए प्लस सी एच थ्री ओ माइनस एन ए प्लस एच सी डबल बॉन्ड ओ एच एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, देखिए तो इस तरह से आपने क्या किया ये वाला प्रोडक्ट को कट किया और ये वाले प्रोडक्ट को कट किया, तो आपका क्या क्या बना ये और ये। ध्यान देने वाली बात ये है बच्चे लोग, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था जीरो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था जीरो, लेकिन जो बन के फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हुआ है वो क्या हुआ है, तो यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ है। चलिए एक जगह इसको हम समराइज कर दे रहे हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ, कैसे हम समझें इस बात को, तो एच सी डबल बॉन्ड ओ एच इसको दो दिया गया और क्या दिया गया यहाँ पर कंसनट्रेटेड एन ए ओ एच दिया गया, तो क्या क्या बना एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, ठीक है नहीं मतलब ओ एच ओ एन ए और साथ में क्या हो गया सी एच थ्री ओ एच। देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो था, यहाँ प्लस टू हुआ, यहाँ माइनस टू हुआ, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये दिखा रहा है कि सर ये जीरो से प्लस टू ऑक्सीडेशन, जीरो से माइनस टू रिडक्शन, लेकिन ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है ये तो एलेवन ट्वेल्थ वाले बच्चे पढ़ते हैं, ये सब पढ़ के क्या, चलो बेसिक था सीख लिया, अच्छी बात है बेसिक को सीखना जरूरी होता है ना, ठीक है चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं इसमें आ जाओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसके दो एग्जाम्पल है हमारे पास और क्या दे दिया गया इसको, इसको दिया गया है कंसनट्रेटेड एन ए ओ एच, अभी जो ओ एच माइनस है ये यहाँ तो क्या हो जाएगा ये यहाँ और फिर ये यहाँ, तो इसको निकलना पड़ा और क्या बना आपको पता है सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ क्या हो गया ओ एच और यहाँ क्या हो गया आपको एच माइनस, देखिए आपका निकले फाइल बना। अभी दूसरा मॉलिक्यूल बचा हुआ है, क्या हुआ दूसरा मॉलिक्यूल आपका बचा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ क्या हो गया एच माइनस, तो ये यहाँ तो इसको यहाँ जाना पड़ा, ठीक है और फाइनली क्या होगा ध्यान दीजिए सी ओ माइनस एच एच और चूंकि माइनस है तो माइनस के बगल में कौन लग गया एन ए प्लस भी लग गया और स्टेज थर्ड में देखिए देखिए क्या देखिए, तो ये है आपका सी एच टू ओ एन ए और यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इन दोनों को मिला दीजिए एच प्लस इसके साथ और एन ए प्लस वहाँ चला गया, तो ये क्या बना आपका प्रोडक्ट सी डबल बॉन्ड ओ एन ए और साथ में बेंजाइल अल्कोहल, ये देखिए सी एच टू ओ एच, आप देख सकते हैं कि कौन कौन चला गया, तो भाई ये दोबारा आ गया काट दीजिए इसको, ये दोबारा आया काट दीजिए इसको, ठीक है और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था इससे ये दोनों बना एक ये और एक ये, ठीक है तो ये तो हो गया आपका कैनिजारो, ये तो क्या हो गया आपको कैनिजारो। चलिए आप इसको नोट कीजिए हम एक्स्ट्रा एग्जांपल लाते हैं, चलिए ठीक है देखते हैं अब हम लोग अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एक एग्जांपल है आपका सी एच थ्री हॉल टू सी एच सी एच ओ प्लस एच सी एच ओ, इसको दिया गया है एक्वस एन ए ओ एच, इससे बना है X, उसके बाद इसको फिर दे दिया गया है एन ए ओ एच प्लस एस सी एच ओ, ठीक है और आपसे प्रोडक्ट मांगा गया है Y। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, कभी भी आप ये मतलब गलतफहमी मत रहना कि एग्जांपल सीधे सीधे एग्जांपल पूछ दिए जाते हैं, जब सीधे सीधे एग्जांपल पूछ दिए तो फिर काहे का हाई लेवल। चलिए ठीक है देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे।
सबसे पहले शुरू करते हैं, आपके पास CH3CHCHO और HCHO कुछ दिखा आपको? ये CH CHO क्या है? ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है। पूरा दिमाग लगा लिया थ्री की, यहाँ कहने जा रहा नहीं हो रहा है, क्योंकि कहने जा रहा था तो मतलब ही था कि अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा, और यहाँ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है इसका मतलब ये कौन सा हो रहा है, ये कहने जा रहा नहीं है, कुछ और है। चलो देखते हैं, CH3 CH3 H C डबल बॉन्ड OH, इसका मतलब ये अलडोल करवाने वाला है। कोई बात नहीं, करवाते हैं। तो OH माइनस आया, इसने H प्लस को निकाला, यहाँ से निकल गया, तो यहाँ क्या आ गया, यह माइनस आ गया। देखो CH3 C CH3 यहाँ माइनस सी डबल बॉन्ड को H, इसका अटैक इस पे करवा दिया इसने, तो H सी डबल बॉन्ड को H पे, तो इसने यहाँ अटैक करा, ये यहाँ से निकल गया। तो क्या बना प्रोडक्ट आपका? ये बना, देखिए फिलहाल प्रोडक्ट नहीं बना है अभी, अभी तो शुरुआत ही हुई है। CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, और ये क्या बन गया, CH2 O माइनस, ठीक है। CH2 O माइनस यहाँ पर आपका क्या हो गया, बन गया। अभी हम इसी स्टेप में देखिए, हमने यहाँ निकाला और इस पर अटैक करवाया, तो यहाँ पर O माइनस आ गया। अब जब O माइनस आ गया तो भाई O माइनस क्या हो गया, देखिए तो आपके पास क्या बना, CH3 C CH3 CH2 OH C डबल बॉन्ड O और ये H बना। देखो आपने अल्डोल बना लिया, लेकिन अल्डोल को कंडेंसेट नहीं कर सकते आप यहाँ पर, क्योंकि OH के बगल में H है ही नहीं। OH के बगल देखो, जिस पे कार्बन पे OH, उसके बगल वाले पे H नहीं है। कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी कि अल्डोल को कंडेंसेट करना। तो चलो हमने X बना लिया, ये क्या बना हमारा, X बना लिया। और अब इसमें भी आपको क्या बचा, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं बचा। देखो इसमें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं बचा, तो इसका मतलब अब ये रेडी हो गया किसके लिए, NaOH के लिए। और NaOH का रेडी होना मतलब कि अभी किसके लिए रेडी हो गया, आपको कैनिजारो के लिए। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, NaOH लाया गया। चलो लेके आओ NaOH, अब इसको NaOH दो। तो जब इसको NaOH दोगे, गौर से देखो, OH माइनस यहाँ, आपको पता है कि ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और फाइनली इसी को निकालेगा, तो क्या बना, CH3 C CH3 CH2 OH C, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O, ये OH, और यहाँ से जो H माइनस निकला, इस H माइनस का अटैक कहाँ कराना है, तो देखिए अभी दिया हुआ था, ये देखिए HCHO दिया हुआ है, इसका मतलब जो H माइनस निकला उसका अटैक उस पर करवाना है। करवा दीजिए इसका अटैक H C डबल बॉन्ड O H पे करवाना है, करवाइए, ये यहाँ तो ये यहाँ, और आपका क्या बना, तो आपका क्या बना यहाँ पर, तो भाई बना आपका ये प्रोडक्ट कि ये CH3 O- बन गया, CH3 O- Na+। और जब ऐसा बन गया तो आपको तो फाइनली पता है ना क्या करना है, इस Na+ को इस H के साथ क्या करना है, आपको एक्सचेंज कर देना है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना ये CH3 C CH2 OH, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O Na, और यहाँ क्या बना, CH3 OH, ये देखिए। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बना, इसी को आप Y कह सकते हैं। क्या हो गया ये आपका Y। अब बोलोगे सर Y का दो मतलब कैसे हो गया, दो मतलब ठीक है ना, वो तो हो गया YZ, जो मानना मान लो, ठीक है, समझे बात को। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको देख लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए इसको कैसे हुआ है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन है आपका CH3 CH2 CHO, इसको दिया गया है 2HCHO और साथ में दिया गया है NaOH। भाई फिर से वही वाली बात आ गई, फिर से अल्डोल करवाने का बात आ गया, लेकिन इस बार एक नहीं, इस बार दो दो है, क्या किया जाए, कोई बात नहीं करते हैं। सबसे पहले इस NaOH का आप क्या करते हैं, H+ निकालो यहाँ से,
तो क्या बना, देखो तो CH3CH-C OH, और इसके बगल में कौन दिया हुआ HCl2। देखो इसका मतलब ये कहाँ कर जाएगा, इस पर जाकर अटैक कर देगा और इसको ऐसे बना देगा। देखो तो क्या बना, HCH3CH C OH, और यहाँ क्या बना CH2OH। ठीक है, चलो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, NaOH वापस आएगा इसके पास, और NaOH वापस आएगा और क्या करेगा, OH माइनस का इसमें उसको फिर से निकाल लेगा, कोई बात नहीं। और निकालने के बाद ये क्या बना, माइनस आया CH3 CH2OH C OH, यहाँ माइनस आया, इस माइनस का अटैक फिर से किस पे करवा दिया, HCOH पे। ये देखो तो ये यहाँ तो ये यहाँ, तो क्या बना CH3 CH2OH C OH C OH, और ये H, ये लो हो गया। अब क्या करवाएगा, अब बोल रहा है कहनी जा रहा करवाने के लिए, कोई बात नहीं करवाते हैं। आप यहाँ तक तो आ गए ना, देखिए इसके थ्रू आपने, देखो समझो बात को, NaOH से यहाँ H प्लस निकाला, एक पे अटैक किया, फिर देखो एच बच गया है, अब NaOH ने फिर से अटैक किया, इस एच प्लस को निकाला, यहाँ माइनस है, अब इस माइनस ने यहाँ अटैक करके फाइनली हमने ये प्रिपेयर कर लिया। चलो अभी कहानी बची हुई है भाई, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अब इस पर अटैक करवाने के लिए दिया गया क्या आपको, इसको अटैक करवाने के लिए इसमें दे दिया गया आपको NaOH कॉन्सेंट्रेटेड, और साथ में दे दिया गया कौन, ये दिया गया है अगले स्टेप में। तो आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले इस OH माइनस का अटैक करवा के यहाँ से इसको निकाल दोगे H माइनस, तो क्या बना आपका, देखो CH3 CH2OH C OH CH2OH, और ये जो H माइनस बचा, इस H माइनस ने कहाँ अटैक करवा दिया, इसके ऊपर C OH, तो ये यहाँ तो ये यहाँ, तो क्या बना आपका CH2O। ठीक है, तो CH2O पे हुआ, तो O पे क्या लग जाएगा आपका, O पे माइनस आया तो माइनस में क्या लग जाएगा, Na प्लस लगा देंगे, जो कि हमेशा करते हैं, और बाद में क्या करेंगे, इस Na प्लस को इसके साथ और H को यहाँ लेके आ जाएंगे, हो गया, यही तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा। इस क्या किया हमने, इस H को हटाओ यहाँ से पहले, और Na को यहाँ लगा दो, और H को क्या लगा दो, यहाँ लगा दो, देखो यही तो आपका दो प्रोडक्ट बना, बताइए समझ में आई बात। यहाँ पर अल्डोल कैनिजारो अकेला नहीं है, कैनिजारो के साथ साथ क्या हो गया, अल्डोल को भी यहाँ पर लाया गया है। ठीक है चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इसका ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, उसको बना के आप इसका प्रोडक्ट लिखिए। ठीक है, मैं रिएक्टेंट भी लिख दे रहा हूँ, CH3CHO नंबर एक, 3HCHO प्लस CaOH होल टू। ठीक है, तो ये दिया गया, इसको बनाया गया X, और फिर यहाँ से दिया गया है HCHO प्लस NaOH, यहाँ से बनाया गया Y। ठीक है, ये X और Y दोनों रहा। ठीक है, मैं ना आंसर लिख दे रहा हूँ, आप प्रोसेस से बनाना, अगर बन जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है यस, मैं आपका नाम देखूँगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसमें X हो गया ये CH, देखो HO CH2 CCHO CH2OH CH2OH, ये हो गया X। ठीक है, ये क्या हो गया X, और Y हो गया HO CH2 CCH2OH CH2OH। ठीक है, इसको ज़रूर बनाना, मैं चाहता हूँ कि आप बनाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग से बना कि नहीं बना। ये रहा X, ये रहा Y, बनेगा तो ज़रूर आप मुझे यस और नो में आंसर करना। ठीक है, चलो अब एक देखते हैं इंट्रा मॉलिकुलर कंडेंसेशन, एक क्या हो गया हमारा इंट्रा मॉलिकुलर कैनिजारो कंडेंसेशन, मतलब देखिए जैसे हमने ऐसे ले लिया एग्जाम्पल C OH C OH, ये क्या हो गया आपका, तो ये इंट्रा मॉलिकुलर हो गया, कोई बात नहीं है, NaOH है तो NaOH का OH माइनस यहाँ आएगा, इसको यहाँ ले जाएगा,
तो क्या बनेगा भाई, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और जो एच माइनस बचा उस एच माइनस से हटे यहाँ करवाइए ताकि ये ऊपर चला जाएगा, और आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, सी ओ माइनस एच लग चुका है सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब जो ओ माइनस था माइनस के साथ क्या लग गया, एन ए प्लस, अच्छा एन ए वो एन ए प्लस के वो तो के प्लस, और फाइनली क्या किया एक्सचेंज कर लिया इस एन ए प्लस और एच प्लस ने, और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, सी एच ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए। ये देखिए ये आपको फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। एक और खतरनाक सवाल देता हूँ, ठीक है, रूह कांप जाएगी। देखिए एक और बहुत बेहतरीन सवाल देने जा रहा हूँ मैं आपको, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये दो दिया गया है, इसको एन ओ एच दिया गया। चलिए फटाफट बनाइए वीडियो को पॉज करके, और बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा यस और नो, बना या नहीं बना, ठीक है, नहीं बनेगा तो उठा कर जो है ना खुद को उठ मतलब कूद जाइएगा छत पर से, क्योंकि ऐसे ही जिंदा रह के क्या फ़ायदा, इतना कंपटीशन का दुनिया में अगर पढ़िएगा नहीं तो फिर वैसे भी कोई काम नहीं करना, खेती बाड़ी तो आपसे होगा नहीं। चलिए देखिए स्टेप वन आइए, एल्डिहाइड है हमारे पास ओ एच माइनस, इस सी ओ से कोई लेना देना नहीं है, हमें सी ओ से कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये ऊपर ये नीचे और इस एच को बाहर निकाल दिया गया, क्या बना सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ एच अपनी जगह पर रिजर्व है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ ओ एच आया और यहाँ क्या आ गया एच माइनस आया, अब इस एच माइनस ने दोबारा अटैक किया सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ओ एच और यहाँ क्या हो गया एच, इस एच माइनस ने दोबारा यहाँ अटैक किया तो ये यहाँ चला गया तो ये यहाँ आ गया, क्या बना आपके पास सी एच टू ओ माइनस एन ए प्लस, और यहाँ क्या बना भूल जाओ इसको सी ओ एच। ओके यहाँ तक तो आप लेके आ गए, अब क्या करोगे, यहाँ से एच प्लस यहाँ और ये एन ए यहाँ, तो आपके पास जो कंबाइंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ एन ए सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और साथ में क्या बना यहाँ पर सी ओ ओ एच सी एच टू और ये क्या हुआ ओ एच। देखिए तो इस तरह से ये और ये प्रोडक्ट आपका बनकर रेडी हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी प्यारे बच्चे लोग, अच्छे से पढ़िए। देखिए टाइम पास करके नहीं पढ़ाई होती है, जब भी आप सीखेंगे आपको कंप्लीट सीखना होगा। वीडियो थोड़ा बड़े थोड़ा बड़ा हो थोड़ा लंबा हो बट इसी से डरिए मत भागिए मत, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक एग्ज़ाम में क्या करके आएंगे। चलिए थैंक यू सो मच, बाय।